वेल हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज फिर एक नए सफ़र की शुरुआत, हिंदी वाले सफ़र की, ना कि इंग्लिश वाले सफ़र। तो मुझे करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं PVSR व्लॉग्स मेरे यानी पवन के साथ। तो आज का प्लान है, बहुत ही अजीब सा प्लान है, देवप्रयाग जाना है, आना है छू के, लंच तक वापस आना है। टाइम अभी बच चुके हैं 8, तो अभी हमारे पास मात्र 5 घंटे हैं। 5 घंटे में हमें देवप्रयाग तक जाना है और आना है। नॉर्मली वन साइड लगता है 3 घंटे, तो अब कैसा कैसा रहेगा वो देखना है। तो रास्ता तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा, फिर भी मेन पॉइंट्स मैं बता दूंगा कहाँ पे कैसा है। तोता घाटी है, यहाँ से तो पहले ऋषिकेश जाएंगे, फिर ऋषिकेश से कौड़ीवाला ब्यासी होते हुए देवप्रयाग, अब तोता घाटी, जो मैंने नाम अभी बोला। तोता घाटी है एक ऐसे जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह वो काफ़ी हो रहे थे बरसात के मौसम में। अभी हालांकि रिपोर्ट यही है कि अच्छा है रास्ता, फिर भी देखेंगे कैसा है। और अभी हम जा रहे हैं, तो एक छोटी सी अपडेट, ये यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, रास्ता पूरा टूटा फूटा ख़राब है, तो ये बन चुका है नदी पर। फाइनली देवप्रयाग पहुंच गए हम लोग। टाइम लगा है 1 घंटा 53 मिनट देहरादून से घर से। तो देखते हैं जहां से संगम का नजारे हैं, दर्शन जहां से हो रहे हैं। ये संगम है, एक बिल्कुल साफ पानी, एक मटमैला पानी आ रहा है आजकल, तो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं संगम नीचे।
इसी से आगे जाके ये बनी है गंगा, यहाँ तक गंगा नहीं है। यही गंगा है। और ये है देवप्रयाग का शहर। तो बेसिकली यहाँ पे ये पुल है, पुल से उधर क्रॉस करके फिर वहाँ से नीचे जाते हैं उधर। और वो है रघुनाथ मंदिर। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? तो रास्ता तो देख ही लिया है, अब मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, मेरी शक्ल भी दिख गई है, तो मतलब हम लोग पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? जैसा कि मैंने बोला था, आज हम आ रहे हैं देवप्रयाग के पास, जो अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। ठीक है, तो अभी हम ऐसी जगह हैं जहाँ से संगम दिखता है। कैसे दिखता है वो देखो, वो सामने संगम। इसके मैं कुछ शॉट्स और भी दिखाऊंगा। तो अब जो उधर से जो नदी आ रही है वो है कौन सी? अलकनंदा। और इधर से जो आ रही है मटमैली से वो है भागीरथी। अगर कुछ गलत हुआ तो एडजस्ट कर लेना, दोनों में से इधर उधर ही है। तो दोनों नदी जब मिल जाती हैं तो बनती है गंगा, जो ये नीचे दिख रही है। तो अब बात यह है कि यहाँ पे क्यों आए हम। तो ऐसा था कि ये रास्ता बहुत टाइम से बंद हो रखा था, बंद इन द सेंस कि एक तो चारधाम यात्रा बंद कर रखी थी, दूसरा कोविड की वजह से, और दूसरा आपका जो ये पूरा तोता घाटी और यहाँ आने के लिए जो रास्ता है वो लैंडस्लाइड्स की वजह से बारिश में मानसून में पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ये रास्ता काफ़ी टाइम से सोच रहे थे आने के, बट हो नहीं पाया। लास्ट वीकेंड भी आना था तो उस दिन भी बहुत बारिश हो गई, जो आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में कितनी बारिश हुई थी, तो उसी टाइम की बात है। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। ये नीचे गंगा। तो आज मैं लाया था अपनी होंडा। ठीक है, हमें जो लगे हैं 1 घंटा 56 मिनट, देहरादून में मुझे अपने घर से यहाँ पहुंचने में 1 घंटा 56 मिनट लगे हैं पूरे। टाइम हो रहा है अभी 10:25। 10:25 क्यों हो रहा है? हम तो 8 बजे निकले थे ना, तो अब 8 बजे निकले थे, 8 बजे निकले थे, तो उसके बाद मुझे लगा मेरा हेलमेट गिर गया। तो 8 बजे के बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे, कितने पे? 9:55 पे पहुंच गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ बैठा हुआ था ऊपर से बड़ा अच्छा नज़ारा दिखता है, तो दिखाऊंगा वहाँ से भी। कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहा था मैं, तो वहाँ बैठ के आराम से अपना मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा। ठीक है, अब व्लॉगिंग करने के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा शांत एरिया। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अब मैं बाइक की बात बता देता हूँ। बाइक से मुझे लगे 1 घंटा 56 मिनट, और एवरेज आया है पूरे 22 का। हाँ, सुपर बाइक में 22 का एवरेज, यही तो होंडा की क्वालिटी है। तो होंडा 650R, CBR 650R जो मेरे पास है, अब इसका 2021 मॉडल वगैरह भी आ गया। मैंने 19 में ली थी, 19 मॉडल है। तो बहुत ही अच्छी रिफाइंड बाइक है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इस क्वालिटी की चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है ये हर टाइप से। आप कभी अग्रेसिव राइडिंग करनी है, अग्रेसिव कर लीजिए, और
डिसेंटली आराम से चलना है तो वो भी बहुत अच्छी चल जाती है। 20-25 की स्पीड में भी छठा गियर लगा के आप आराम से घूम सकते हैं। और अभी आज मैं जैसे माउंटेन्स में आया हूँ तो यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, कहीं पे कोई वो नहीं। ऑफ रोडिंग भी इसमें मैंने कर रखी, इनफैक्ट आपने मेरे पिछले वीडियोज़ में देखा मैंने इसमें ऑफ रोडिंग भी कर रखी है। हाँ, थोड़ा सा नीचे बैली पैन वगैरह का इशू आता है ऑफ रोडिंग में, ऑब्वियसली बात है, सुपर बाइक है तो थोड़ा सा तो आएगा ही, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छी बाइक है, मतलब वर्थ एवरी पेनी जिसे बोलते हैं। एक एक पैसा जो इसमें लगा है वो पूरा वसूल है। और बाकी रही बात लोकेशन की, तो लोकेशन तो बहुत गजब की है ही देवप्रयाग। अब यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब आप फैमिली के साथ आएँ, किसी के साथ भी आएँ, बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। मैं देहरादून से मैंने आया हूँ करीब करीब, कितना टाइम लगा मुझे, 1 घंटा 56 मिनट 2 घंटे मान लीजिए, 2 घंटे में आया हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने बहुत तेज़ चलाई है या कुछ कराया, आराम से ही आए हैं। और आप अपनी फैमिली के साथ कार वार में भी आएंगे तो आपको 2 से 2.5 घंटे ही लगने हैं। मतलब सुबह के टाइम आया था तो थोड़ा सा मुझे ट्रैफिक कम मिल गया था, उसका अभी तक का तो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। चलो देखते हैं, आगे भी एक्सप्लोर करेंगे अभी।